की रोज कर रहे हैं, हम इनकाउंटर कर रहे हैं, कानून व्यवस्था ला रहे हैं, तो पूरे देश की कानून व्यवस्था और उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था कितनी गड़बड़ है, जो समाजवादी पार्टी के खिलाफ एक सरकार थी तो आरोप लगाया जाता था इस प्रदेश में पूरा माफिया राज, गुंडा राज, बलात्कार, रैप, भ्रष्टाचार, बेईमानी, चोरी, उससे दुगना तिगुना जो आरोप लगता था बढ़ गया। तो हमको इन सब चीज़ों को भी जनता के बीच में कहना है और योगी सरकार जो कह रहे हैं एक बड़ा सा कानून व्यवस्था है उसका खुल्लम खुल्ला उदाहरण इस देश में जा रहा है कि कितनी कानून व्यवस्था ठीक है यहाँ की, इसकी हम निंदा करते हैं। और जो हमारी लड़कियाँ चलाई जा रही हैं, जो हमारी लड़कियाँ मारी जा रही हैं, बलात्कार हो रही है, उनके प्रश्न जो सम्पत्ति रखते हैं और छोड़ देते हैं, जाने में कोई शर्म नहीं होगी। साथियों, बहुत दुखद घटना है, अभी पीड़ित हैं। आज स्थिति ये हो गई कि हमारी बेटियां हैं बाहर गए, वो कहते हैं डैडी अब इंडिया के रहने वाले हैं हम, तो कहने में शर्म रखती है। कोई पूछता है कहाँ के रहने वाले हो, तो हम भारत के रहने वाले हैं। आदेश दिया, मैं जाऊँ मानसिंह जी के पूरी संबोधन ना करें, कई लोग ज्यादा और आपका आदेश है कि यही संबोधन ना किया जाए। तो मैं सबसे पहले कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी मुद्दे को किस तरीके से डाइवर्ट कर देती है, हम सब लोगों को उस पर चिंतन करना पड़ेगा। जैसे कि कल एक बड़े नेता बोल रहे थे कि इसमें सियासत हो रही है, आप गंभीरता से विचार करिए कि इतने बड़े मुद्दे को किस तरीके से उन्हें हल्का बना दिया कि सियासत हो रही है। जाहिर सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी का ये जो मैसेज है वो इस ओर इशारा करता है कि इस कृत्य में कहीं ना कहीं उन्हीं के लोग शामिल हैं और उनको बचाने के लिए वह किसी न किसी तरीके से इस मुद्दे को जो डाइवर्ट कर रही है। तो मैं यही कहूँगा कि हमारे समाजवादी पार्टी के जो भी कार्यकर्ता हैं वो अपने घरों से निकलें और ज़्यादा से ज़्यादा जनसंपर्क करके हम लोग चट्टी चौराहे गांव वाम में जा करके इन बातों को बताएं कि भाई किस तरीके से जो हम लोगों के घरों में इस तरीके से ये अन्याय हो रहा है इसके खिलाफ एकजुटता के साथ लड़ा जाए। और इस कार्यक्रम के लिए जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने शोक सभा का आयोजन किया, मैं तहे दिल से हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। चूँकि ये शोक सभा है इसमें बहुत ज़्यादा बोलने का उचित नहीं है, तो मैं उस बहादुर बेटी को भी जो अपने जीवटता का एक उदाहरण प्रस्तुत किया समाज में, लड़ते लड़ते उन्होंने जो मैसेज दिया कि मैं जिंदा रहना चाहती हूँ और इन अपराधियों को फांसी हो, तो इसी बात को हम अपने अंतःपटल पर बैठा करके इस अन्याय के खिलाफ लड़ने का संकल्प लें। जय हिंद, जय समाजवाद। महामंत्री गुंडा जी चाहूंगा बिना संबोधन का भी पालन। समाजवादी पार्टी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी के निर्देश पर आज पूरे प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर इस प्रकार से उन्नाव की घटना पर शोक प्रस्ताव, शोक सभा करने का कार्यक्रम हम सब यहाँ अपने जिला कार्यालय पर मना रहे हैं। तमाम जिम्मेदार साथियों ने अपने विचार व्यक्त किए। मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूँ कि निश्चित रूप से उन्नाव की घटना आज पूरे उत्तर प्रदेश के कानून व्यवस्था पर सवाल खड़ा कर दिया है। क्योंकि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी तो बड़ा ढिढोरा पीटा गया था कि हम प्रदेश की जनता और प्रदेश के लोगों की सुरक्षा की गारंटी देते हैं, लेकिन सम्मानित साथियों सही मायने में आज अपराधी जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। भारतीय जनता पार्टी के लोग स्वयं अपराध में तल्लीन हैं और कोई सुरक्षा की गारंटी किसी व्यक्ति की नहीं है, जिसके नाते आज पूरे उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों में ऐसा कोई जिला नहीं है जहां पे इस तरह की रेप की घटनाएं न हो रही हो। सहारनपुर में भी परसों घटना घटी, बाराबंकी में घटी, मिर्जापुर में घटी, उन्नाव की घटना तो शायद दिल्ली और हैदराबाद के बाद ये सबसे बड़ी घटना है।
मैं सम्मानित साथियों निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कल जिस तरह से सड़क उतरकर पूरे प्रदेश के समाजवादियों को ललकारने का काम किया, जोश भरने का काम किया, निश्चित रूप से उन्होंने जिम्मेदारी लिया है कि हम समाजवादी लोग निश्चित रूप से उन्नाव की घटना के लिए हम लड़ेंगे, उसको न्याय दिलाने का काम करेंगे और हम लोग राष्ट्रीय नेतृत्व के साथ निश्चित रूप से कदम मिला के चलने का काम करेंगे। जहां भी जरूरत जो भी कार्यक्रम करने की आवश्यकता होगी नेतृत्व के निर्देश पर उसको सफल बना के इस अन्याय के खिलाफ लड़ाई को सफल बनाने का काम करेंगे। बहुत बहुत आप सबको धन्यवाद। उस बेटी के प्रति, उस बहन के प्रति संवेदना प्रकट करते हुए मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।